सो गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड इन जम्मू कश्मीर। अभी हम लोग है फिलहाल उधमपुर में। असली एडवेंचर जो है अभी शुरू होगा, उसके मजे आपको अभी आएंगे। वाव फाइनली पानी 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 वाह वाह वाह। हम लोग सीना अभी इंटरकॉम पे यही बोले भाई ये व्यू देख भाई वो व्यू देख भाई ये व्यू देख। हम लोग सीना इतने एक्साइटेड हो गए ना भाई। सामने वाला व्यू देखो भाई का खतरनाक व्यू आ रहा है। वाह एक डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस है ये, बहुत डिफरेंट लेवल। टनल में चलाना मतलब बहुत मज़ा आ रही है। नीचे अब मैं कैसा दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई कड़क लेवल यार कड़क। हम लोग ना नई नई करके हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया। ये रोड की मतलब ये ट्रकों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। फाइनली स्नो कैप माउंटेन से दिख रहे, ठंड पै गई यहाँ दिल्ली में, ठंड पै गई। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होगा और बढ़िया ही रहना। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के देख लेना, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। बाय द वे कल हमें होटल ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये जो है ग्रेट किंग आई गेस होटल का नाम है यहाँ पे। इसकी जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उधमपुर रुक रहे हो तो नॉर्मल है, मतलब अच्छा है, आपको भी पसंद आ जाएगा। कॉस्टिंग 1300 से 1500 रुपये के आसपास है, तो आप वो देख लेना, बात कर लेना। अभी फ़िलहाल आज का जो हम लोग का प्लान है श्रीनगर का है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग नाश्ता करने निकले क्योंकि थोड़ा सुबह उठ गए थे, तो अभी थोड़ा यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर हम लोग निकलेंगे हमारी राइड पे श्रीनगर के लिए। देखते श्रीनगर जाना है उससे आगे जाना है, वो सब सोच करके आगे आपको अपडेट करता हूँ। आपको निकलने से पहले थोड़ा रूम टू दे देता हूँ। ऐसा कुछ बेड है, यहाँ पर ये गद्दा लगा हुआ है, अलमारी दी हुई है, ये है आईना, एंड ये है वॉशरूम। सीया हमें कुछ मिला था 1300 रुपीज़ में, पैकिंग वैकिंग कर ली है, अब सीधा बाइक पे नीचे बैठते और निकलते। ये लड़का ना हमेशा लेट करवाता है, हमेशा लेट। देखो में छोड़ के आया मेरा फुल गाड़ी रेडी है, जय भी रेडी है हेलमेट पहन कर, लेकिन इसको देख रहे हो अभी भी टेल बैग बांध रहा है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं। चलो तो भैया यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। आज का डेस्टिनेशन है श्रीनगर दल लेक, 186 किलोमीटर, 4.5 घंटे का रास्ता है। 5.5-6 घंटा पकड़ लो, 11 बजे हम लोग निकले हैं। एक्सपेक्टेड अराइविंग टाइम वी कैन एक्सपेक्ट 5 बजे का। तो भाई साहब मैंने ये थोड़ा मैप देखा था, तो यहाँ से चेन्नई है, फिर उसके बाद बेनीहाल के, अरे रुक जा भाई, बेनीहाल के आगे भी दो है, उसके नाम मैं वापस भूल गया, फिर श्रीनगर आएगा। और बीच में से ना मैंने मैप चेक किया ना, तो दो बाजू हमें मस्त एक नंबर ये क्या कहते हैं टनल्स मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लंबे खासे दिख रहे थे मुझे, तो वो भी आज हम एक्सपीरियंस करें। जो बड़े टनल्स हैं ना, वो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे। बाय द वे वेदर की बात करूँ तो वेदर यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, बारिश वारिश तो नहीं है, बट गर्मी है थोड़ी सी, जितनी हमें पहले मिल रही थी उतनी नहीं है, बट हाँ है। सामने देखो मस्त, वो पता नहीं क्या इसको क्या बोलते, पानी का आई गेस पानी स्टोर करते हैं टाकी में। इसमें मस्त देखो फ्लैग बनाया हुआ है इंडिया का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। सामने पहाड़ों वाला व्यू थोड़ा आ रहा है, कल हम लोग रात में आए तो हम लोग कुछ दिखा नहीं था, बट अभी थोड़ा पहाड़ों वाला व्यू दिख रहा है। आपको भी मज़ा आएगी, एंजॉय करो आप भी मेरे साथ ये वीडियो। भाई साहब अभी ना एक बार व्यू आता है ना तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अभी जहाँ से आए ना वो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ राइट में, रुकिए थोड़ा सा टर्निंग हो जाएगा ना उसके बाद मैं दिखाता हूँ कार वाले को, जान दे। हाँ कार वाला आ रहा था, रुक जा भाई साहब, पता नहीं कैमरे में कितना ही आएगा कितना नहीं आएगा, बट भाई ऑसम व्यू आ रहा है, ऑसम। अगर उस तरफ वाला रोड होता ना तो और अच्छे से दिखता यार। हाँ हाँ टर्न है ना भाई, वाह फाइनली सुपर्ब यार, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही भाई यहाँ से, क्या व्यू आ रहा है यार। बाय द वे मैं फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट टाइम जम्मू, वो भी अपने दोस्तों के साथ में, और वो भी अपनी खुद की बाइक के ऊपर। भाई साहब पहली बात तो ये, आज से कुछ साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइडिंग करूँगा, राइडिंग के लिए इतना पैशनेट हो जाऊँगा, प्लस
एक यूट्यूब चैनल होगा अपना, भले ही छोटा है भाई जितना भी है, खुश हूँ मैं उसमें, और आप लोग जुड़ते जा रहे हो और अच्छा लग रहा है। और हाँ भाइयों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा कमेंट लगे कमेंट ड्रॉप करना, वीडियो को लाइक करना, इससे मेरी रीच बढ़ेगी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं इतना अच्छे से राइड करूँगा, ऐसी ऐसी जगह पर घूमूंगा, ले लद्दाख ट्रिप जो हर एक बाइकर का ड्रीम होता है भाई वो मैं कर पाऊँगा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट आज वो साकार हो रहा है मेरे दो खास दोस्तों के साथ, विनय और जय के साथ। लेकिन ये ट्रिप जैसी भी जा रही है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर हमें याद रहने वाली है हम तीनों दोस्तों को। क्योंकि देखो, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चले या ना चले, लेकिन आपका एंजॉयमेंट चलते रहना चाहिए। ओ भाई साहब, क्या ही व्यू आ रहा है यार, वाह। और ये पूरा घाटी सेक्शन है, तो इधर पूरा मतलब आई गेस घाट है यार, पूरा पहाड़ी चढ़ रहे अभी हम लोग, मतलब क्या गजब व्यू आ रहा है यार, गजब व्यू आ रहा है कसम से। सामने व्यू देखो नदी का, नदी आपको दिख रही है कि नहीं आइडिया नहीं है, बट हाँ टाने देखा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। तावी रिवर है, तावी, तो दिस इज तावी रिवर। पानी 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 पानी, वाह वाह वाह, हम लोग तीनों भी इंटरकॉम पे यही बोल रहे, भाई ये व्यू देख, भाई वो व्यू देख, भाई ये व्यू देख, हम लोग तीनों इतने एक्साइटेड हो गए ना भाई। हम लोग के रोड बाय रोड पैरेलली साइड में तावी रिवर चल रहा है, बहुत बड़ा पत्थर था, एकदम लेफ्ट में मत डालना भाई साहब, ये लैंडस्लाइड जो ये है, हाँ ये लैंडस्लाइड जो ये है भाई यहाँ पे। भाई लोग मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो बस के पीछे क्या लिखा है, जलो मत रेस करो, रेस का स्पेलिंग देखो RWS, रेस करो। वाह भाई वाह, ये रेस का मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या होता है, मैंने तो RAC सुना था, RWS पहली बार सुन रहा हूँ। सामने वाला व्यू देखो भाई, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, वाह। हाँ टर्न है, अच्छा खासा टर्न है, आराम से आओ, व्यू देखने के चक्कर में टर्न का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। भाई साहब वहाँ से क्या व्यू आया भाई, आप जब उधमपुर से निकलते हो ना तो उसके 25 किलोमीटर के बाद एक ये रास्ता आता है, जैसे आपको अभी मैप में दिख रहा है, यहाँ पे दो रास्ते पड़ते, एक तो ये जिसपे हम जा रहे हैं आगे जिसमें टनल आएगी, और एक पुराना वाला रास्ता है जिसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा जो है आपको ये कवर करके जाना है, मतलब पूरा घाट वाला जो है ना पहाड़ पे वो जाना है। ये देखो अगर आपको दिखता रहेगा तो ये वाला नहीं, वो नहीं, वो दूसरा, ये अलग इस तरफ से राइट साइड से, तो ऐसा कुछ रास्ता है, बट हम लोग ने ये टनल वाला लिया ऐसे ही। अभी ये फर्स्ट टनल आई, सामने एक, इसके बाद एक और एक टनल आएगी। अबे भाई सामने व्यू देख रहा है, देख, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया वेलकम्स यू, थैंक यू सो मच। तो भाई हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये टनल में, इंडियन आर्मी, सल्यूट इंडियन आर्मी को यार, चेनानी नशरी टनल वे, ओके। भाई साहब टनल में आते ही मौसम ठंडा हो गया ना भाई लोग, ये टनल 10 किलोमीटर लंबी टनल है, ये टनल की वजह से कितना बड़ा रोड बाईपास हो गया। अबे भाई आर्मी जा रही है भाई, ट्रक देख के घुस बम सो रहे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सल्यूट भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं, एक डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस है ये, बहुत डिफरेंट लेवल, टनल में चलाना मतलब बहुत मज़ा आ रही है, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना इसलिए, तो मतलब आप लोग जब आओगे ना तो आप हर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे हर एक चीज़ की प्रॉपर अरेंजमेंट्स की हुई है, SOS के लिए, इमरजेंसी के लिए, मतलब प्रॉपर एकदम पूरे साइन बोर्ड्स के साथ में, वेंटिलेशन भी अच्छी है ताकि मतलब अंदर घुटन ना हो, ग्रेट यार, ग्रेट वर्क। बाय द वे ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, ये चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर, बट बड़ी प्यारी है यार, बहुत मस्त लग रही थी देख के,
मेरे ख्याल से आगे एक संगम दिखा था मुझे, वो चिनाब और तावी का, वो चिनाब और तावी का ही संगम रहेगा क्योंकि इसका पानी सेम ऐसा था, तावी का एकदम क्लियर था। ये जो रिवर का व्यू है ना, ये देख के इतना मज़ा आया ना मुझे, कसम से बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग ने ड्रोन शॉट लेने की भी कोशिश करी, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं था, परमिशन है या नहीं, तो हम लोग ने ज़्यादा ड्रोन शॉट नहीं लिए, बट यार मज़ेदार था। और हमें ये पूरा ही रास्ता, मेरे ख्याल से ये रिवर के बाजू में से ही रास्ता था, तो ये पूरे रास्ते पे से ही हमें हो करके जाना है। बाकी राइड तो अभी शुरू ही है ऐसा लग रहा है, ये सारे नज़ारे देख करके। बट यार मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में अचीव कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सोचा था वो मैं कर रहा हूँ एकदम पैशनेट तरीके से अपने, बहुत मस्त। भाई साहब नीचे अब मैं कैसा दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई कड़क लेवल यार, कड़क। यहाँ पर ना भाई फोटो लेते थे तो मज़ा आ जाती थी, बहुत खतरनाक व्यू था भाई। लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये मतलब बहुत एक्टिव रोड है, अगर आप देख रहे हो तो दोनों बाजू से ही गाड़ियाँ आ जा रही है, श्रीनगर के लिए, सोनमार्ग के लिए यही रोड है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस वजह से ये पूरा रोड ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, ना फोटो खींच सकते हैं, ना कुछ वीडियो निकाल सकते। ये यहाँ पर तो फर्स्ट वाटरफॉल दिखा है यहाँ का, एक ट्रक टैंकर वाला पानी भर रहा है इसमें से। ओह भाई धंधा करते फिर यहाँ से, देखा कैसे कैसे लोग रहते हैं। जैसे जैसे ऊपर चल रहे वैसे वैसे व्यू तो और भी बहुत बढ़िया होते जा रहा है यार, खतरनाक। WONDARSH वंडर्स। पहाड़ों में ट्रैफिक में सब्सक्राइबर मिल जाते हैं भैया, कितनी अच्छी बात है। नहीं वाइजर बंद, नहीं तो ये लोग मेरे नाक में दम कर देंगे। बस आगे कोई नहीं आना चाहिए। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो वी हैव एंटर्ड इन वन मोर टनल। ये भी देखो, ये वाला जो रोड आ रहा है उसको बाईपास कर दे रही है। धूल धूल है इसलिए इंडिकेटर ऑन करके रख रहे। पूरे रास्ते पे यही है, यहाँ पे एक बाजू से टैंकर आ रही है, एक बाजू से फुल जाम है। तो यही एक इनोवा है, हाँ हो गया हो गया, यही चल रहा है पूरे टाइम से। ये देख देख देख, अरे भाई लेफ्ट में, अबे लेफ्ट में व्यू देखते, तुम्हारा आवाज़ अभी आया भाई। भाई साहब लेफ्ट का व्यू देखो, नदी एकदम पास से दिख रही है अभी, वाह। थोड़ा डर भी लग रहा है, एकदम नीचे दिख रहा है साला, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी थोड़ा सा हम लोग और अंदर आए तो यहाँ पे आप देखो फुल मस्त ग्रीनरी पहाड़ है, और यहाँ पे मस्त एकदम छाव है। पीछे मतलब पूरा सूखा सूखा पहाड़ था, यहाँ पे फुल झाड़ वाले पहाड़ है, ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़े दिन पहले बारिश भी हुई रहेगी, जिसके वजह से मस्त एकदम ग्रीनरी है। देखो वाह यार, एकदम फुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। खाने में मिलेगा सर, दाल फ्राई मिलेगा, दाल मखनी मिलेगा, राजमा मिलेगा, आलू मटर मिलेगा, मिक्स सब्जी मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा, शाही पनीर मिलेगा, पनीर भुर्जी मिलेगा, पनीर बटर मसाला मिलेगा, दम आलू मिलेगा, जीरा आलू मिलेगा, जीरा राइस मिलेगा, फ्राइड राइस मिलेगा, वेज पुलाव मिलेगा, रायता मिलेगा, मैगी मिलेगी, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, पराठा। विनय तू आ जा भाई, बहुत सही बहुत सही भाई। इसके पीछे में म्यूजिक डाल के रैप बना सकता हूँ, क्या बोलते हो भाई लोग, तुम लोग कमेंट करो अपन बना देंगे। मस्त हम लोग ने मतलब भाई ने इतना सारा तेजी तेजी में जो बोला, लेकिन हम लोग को तो एक ही चीज़ अच्छी लगी, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस मंगाई, लेकिन ये वो घर वाला जो वो गुजराती में हम लोग वघारेला भात बोलते हैं ना, जो वो वघारेला भात एक नंबर वो मंगवाया है। अभी विनय बात कर रहा है वीडियो कॉल पे, कौन सी लड़की से बात कर रहा है रे? एक ही है, बीवी, बीवी से बात कर रहा हूँ। पक्का बीवी से बात कर रहा है, किसकी किसकी? इस बार अपनी इस बार अपनी बीवी से बात कर रहा है। खा लेते भाई, भाइयों मस्त खाना वाना खा लिया हम लोग ने यहाँ पे, और अभी निकल रहे हैं।
मस्त वापस अपनी जर्नी शुरू। भाई अभी ना कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ना फुल एकदम चिल्ड मौसम हो चुका है, मतलब ठंडा मौसम हो चुका है अभी, मतलब वो गर्मी वाला फील नहीं आ रहा है मेरे को। और हम लोग ने अभी भी खाना खाया ना, हे वाह भाई 1250 और बेनेली टीआर के 500 दिखा दिया भाई, भाई साहब। अरे नहीं, एक बेनेली टीआर के 502 है, नहीं पीछे बेनेली थी भाई। वो बेनेली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये वो है 500 cc, लेकिन लगती है एकदम जायंट लगती है। और उसका लुक एंड फील जो है ना सेम वो अपना इसके BMW जैसा है। तो भाइयों मैं आपको ये बता रहा था कि ये यार इसने लूट लिया हमको। एक छाछ कितने रुपए की आएगी आप बताओ मुझे, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया। भाई एक छाछ का 50 रुपया लिया इसने, 50 रुपया। अब कहा बोले भैया, हम तो कुछ कहा बोले, चलो कौनो बात नहीं, दे दिए, इतने पहाड़ी पे आए थे तो अब कहा मना करे। अरे भाई सामने देख, अबे वो देख पूरा, माँ कसम भाई, मैं विनय और जय अभी तीनों के मुंह में ऐसी, भाई ये लेफ्ट में देख, भाई राइट में देख, अरे भाई इधर देख, भाई उधर देख, जो मजा आ रही है ना भाई। हाँ देखा ट्रक आ रहा है भाई, देखा। अब यहाँ पे पूरा जाम देखो, बहुत गंदा वाला जाम है। और सामने से तो भाई ट्रक वगैरह तो क्या ही खतरनाक आ रहे। यहाँ पे पूरा देखो, ये पूरा लाल लाल है ना, पूरा जाम है। येल्लो वाला भी ऐसे ही पूरा जाम है, पता नहीं लगता दूसरी साइड का हाईवे लोग बिल्ड कर रहे इसके लिए है किस वजह से, कुछ आइडिया नहीं है। तो भाई ये वाला जो रोड दिख रहा है जहाँ पर हम लोग थे, इतना ट्रैफिक जो था वो अभी हमारा बाईपास हो जाएगा, क्योंकि ये मैप में नहीं, देखो मैप में शो नहीं कर रहा ये रास्ता, तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा, ऐसा कुछ अगर आपको बाईपास मिले किसी लोकल से पूछना। पूरा ट्रैफिक हमारा निकल गया, रुक भाई दे रहा हूँ देखो जगह जाने के लिए। यार महिंद्रा वाला इतना भी क्या जल्दी है, देखो यहाँ पे मैप में वो रास्ता ही नहीं है, देख रहे हो आप, और आगे जाके वो कनेक्ट हो जाएगा वहीं पर ही। और ये पूरा यहाँ से देखोगे तो पूरा लाल लाल है। चलो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती है, ऐसे समझ के चलना है और क्या है। नहीं नहीं करके हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया। ये रोड की मतलब ये ट्रकों की लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, बाप रे बाप, पता नहीं ये लोगों को कितना दिन लगेगा ये मतलब ये क्लियर करने के लिए, फुल जाम है एकदम, बाप रे बाप। वैसे तो BRO काम कर रहा है, देखो जैसे अभी ये जो पुल बना है, बहुत सारे टनल्स बना रहे, कितने कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई। ठंडी हवा आ रही है एकदम, हाँ अभी फुल ठंडी हवा आ रही है भाई लोग। हाँ भाई लोग, मुझे ना मैं आपको बताऊँ, अभी हमारी जस्ट हमने टोल पे फोटो खींचा और ये नज़ारा सामने दिखा, तो हम लोग को ना ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे फोटो खींचने जाता, लेकिन ना एक्चुअल में हम लोग जो लोकेशन देख रहे ना वो लोकेशन पे ऐसा फील हो रहा है, वो लोकेशन पे ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहाँ फोटो खींचने चाहिए था, यहाँ फोटो खींचने चाहिए था, ऐसा फील हो रहा है ना मेरे को कि मतलब हर जगह फोटो खींचूँ, लेकिन कहता फिर टाइम ही नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे भी ऑलरेडी हम लोग ने 4 बजे पहुँचने का 6 बजा दिया है फोटो वोटो खींचने के चक्कर में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलो। लेकिन मज़ा आ रही है यार, बहुत मस्त लग रहा है, एकदम फुल प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे ठंडा वेदर है एकदम। जवाहर टनल सब, आज तो भाई बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है कसम से भाई लोग, है ना। ये यहाँ पे एक तो 50 का स्पीड लिमिट लिखा है, ऊपर से ये ट्रैवलर वाला हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। जाओ ना भाई जाओ ना, इतना जगह दिया है तुमको। ये कुछ CRPF के ट्रक्स जा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे रोक के रखा था, अभी वो ट्रक्स निकल जाएंगे फिर हमें छोड़ देंगे। ये JNK की गाड़ी, इसको पता है, देख चल चल विनय, थैंक यू सर। फाइनली स्नो कैप माउंटेन से आने दिख रहे, ठंड पै गई, आहा दिल्ली में ठंड पै गई, वाह रे वाह, लीला परंपार तेरी भगवान, वाह वाह वाह, मजा आ गई, वाह वाह वाह। हाँ ये वाले माउंटेन पे दिख रहा है, वाह भाई वाह, मजा आ गया।
अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, किधर किधर देखो। कसम से भाई लोग मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं ये व्यू देख रहा था, जैसे पुल क्रॉस किया ये वाला व्यू आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं राइडिंग करूँ, व्यू देखूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ तो नहीं कर सकते, या तो व्यू देख लो या तो गाड़ी फास्ट चला लो यार, मतलब क्या ही कहना यार, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और यही एक्सपीरियंस इतना अच्छा लग रहा है ना कि यार नेक्स्ट टाइम भी आना पड़ेगा अपने को। भाई साहब ये रहा डल लेक, वहाँ कसम क्या ही व्यू आ रहा है यार, वाह भाई, चला यहाँ पे आगे लो, रुकाओ जरा, वाह मस्त है यार। अरे यहाँ पे है ना, रुकी तो है पब्लिक थोड़ा, ये कार के आगे रुका दो, देखते थोड़ा व्यू तो लेते एटलीस्ट। डल लेक का मस्त बैठकर हमने सनसेट व्यू पूरा एंजॉय किया। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर जाओ, मतलब ये थोड़ा गेट बनाया हुआ है, अंदर जाते हैं प्रॉपरली और अच्छे से थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, फिर हम लोग का प्लान अभी बन रहा है सोनमार्ग जाने का। अभी बजे है 7, सोनमार्ग प्रॉबेबली 11 बजे तक पहुँच जाएंगे ब्रेक वेक लेकर भी। तो अभी फ़िलहाल ये देखो ऐसा कुछ गेट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें जा करके देखते हैं। बाय द वे बहुत खूबसूरत है डल लेक, रिकमेंडेड है, आप कभी भी आओ ना तो इस तरफ आना ज़रूर, आपको भी मतलब नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया हुआ है तो उसी पे मैं जा रहा हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा व्यू है, प्लस यहाँ पे आपका माउंटेन्स का व्यू है और बाजू में से पूरी रोड जा रही है सिटी के, तो ये व्यू भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई ये जो अगर व्यू मिल जाए डल लेक वाला आपको अगर रहने के लिए पूरे दिन, तो क्या ही कहना। बट हम लोग ने सोचा श्रीनगर में हम लोग सिर्फ डल लेक का एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, हमारा मेन एक्सप्लोर जो है लेह लद्दाख वगैरह साइड में करेंगे जहाँ पे बर्फ़ रहेगी, बहुत मज़ा आएगा वैसा कुछ, तो इसीलिए हम लोग ने अभी सोचा कि सोनमार्ग के लिए निकलेंगे। अभी जय भी आ गया, वो कुछ थोड़ा काम से यहाँ वहाँ शॉप पर गया था वो पानी वानी लेने, तो अभी निकलते हैं सोनमार्ग के लिए। तो भाई साहब अभी इस खूबसूरत व्यू को बाय बाय बोलकर निकल रहे हैं हम, वाह क्या सुंदर लग रहा है। बाय द वे अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा सोनमार्ग, आज ही बर्फ़ देखने मिलेगी भैया। अब सोनमार्ग एक्चुअली जाने का प्लान हमारा नहीं था, श्रीनगर में रुकने का था, लेकिन हम लोग सोनमार्ग जा रहे हैं क्योंकि कल जो है फ्राइडे है, जहाँ तक मुझे आइडिया है फ्राइडे तक को फ्राइडे को जोजिला पास बंद रहता है, और आज अगर हम लोग श्रीनगर रुक गए तो कल हमें जाना पड़ेगा सुबह में उठ करके सोनमार्ग और वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, तो दोनों वजह डबल खर्चा हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम लोग थोड़ा टाइम है और लोकल से पूछा रास्ता अच्छा है, बोले बिंदास जाओ कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग निकल जा रहे सीधा सोनमार्ग, मज़ा आएगी काफ़ी। बाय द वे डल लेक जो है बहुत बड़ा है, मैप में मैंने देखा अभी कोने कोने से बहुत बड़ा रास्ता जा रहा है, और एक मिनट गाड़ी आ गई यहाँ पर, और वहाँ पर व्यू देखो भाई क्या खूबसूरत व्यू है भाई साहब, बहुत मस्त। अभी 8 बजे है, 8 बजे हम लोग सोनमार्ग के लिए निकले हैं। हाँ बाय द वे मैंने डल लेक का सनसेट शूट किया था, आपको कैसा लगा टाइम लैप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई लोग, या मज़ा आ गया, हम लोग ने पूरा 2 घंटा टाइम पास किया भाई, 2 घंटा हम लोग मतलब आराम से फुल एंजॉय करके चल रहे, एकदम मस्त, टेंशन नहीं चाहिए कुछ। तो हम ज़रा अभी कश्मीर की गलियों से निकल रहे हैं और इन गलियों से निकल करके अभी हम हाईवे पहुँचेंगे, अभी हम लोग को मज़ा तो बहुत आ रही है, बट डल लेक के वहाँ थोड़ा ट्रैफिक था और हम लोग ने रुक के थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया क्योंकि रात का खाना मिले नहीं मिले उस हिसाब से, और अभी फ़िलहाल
हम लोग निकल पड़े हैं सोनमार्ग की तरफ, श्रीनगर की गलियों से निकलते हुए। यहाँ पर ना डे नाइट आर्मी चलती रहती है, सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। रात में हम ये ब्रिज पार कर रहे हैं। राइट राइट राइट, वैसे वैसे रोड वैसे जा रहा है। मैं, जय और विनय का अभी डिस्कशन हो रहा था कि सोनमार्ग तो जाने का हमने सोच लिया, हमारे में चुल मची थी तो हमने वो चुल पूरी करने के लिए रात में सोनमार्ग जाने का सोचा है। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था, हाँ देखा है, 25 था, 30 था नॉर्मल टेम्परेचर। सोनमार्ग में पता चला टेम्परेचर है 10 डिग्री 11 डिग्री, अब हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री से 11 डिग्री पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि सोनमार्ग तो जाना है, ठीक है, लेकिन सोनमार्ग एग्जैक्टली सोनमार्ग के ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा जाम भी रहता है, ट्रैफिक भी रहता है, वहाँ पे अगर ज़्यादा हो गया तो पुलिस जो है रास्ता भी बंद कर देती है, तो सोनमार्ग से थोड़ा सा आप पीछे हम लोग होटल ले लेंगे, क्योंकि सोनमार्ग में थोड़ा होटल जो है महंगा भी मिलेगा और हमें इतना महंगा होटल वोटल नहीं लेना है। बाय द वे हम लोग अपने टाइम पे ही चल रहे, पहुंच जाएंगे, हम लोग ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहे तो टेंशन नहीं है कोई अभी तक। बाकी रास्ते की बात करूं, अगर आप इसको शाम के बाद में अगर आप इसको ये रास्ते को क्लियर करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बारिश आ जाएगी यार, हमें अबे वही मेरे को भी अभी पता चला, हल्की हल्की बारिश आ रही है भैया। देखो अभी बर्फ़ के गोले पड़ने लगे तो अलग बात है, फिर देखना पड़ेगा, पर बारिश आ रही है, बारिश हो रही है। तो ये नेशनल हाईवे 1 है और यही जो है पूरा आई गेस लेह तलक भी जाता है। तो ये जो NH1 है ना, यही मतलब ये जो जाता है, ये अच्छा रास्ता है, बिंदास जा सकते हो। अभी तक हमें कोई ऐसा ख़राब रास्ता एकदम ऑफ रोडिंग वाला या फिर गड्ढे वड्ढे इतना मिले नहीं है। तो अगर किसी को आना है मतलब शाम में भी तो ही कैन ड्राइव, बट एट ओन योर रिस्क, और आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर मैटर करता है वो। हम तो देखो भाई, हम तीन ऐसे हैं कि हम तीनों का साथ मिला, हम लोग बातें करते करते इंटरकॉम पे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, कुछ भी रहता है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। होप्स अभी तक तो यही हुआ है, आगे भी ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, बस ऐसा ही होगा। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज, या यूहू। हम लोग अभी ये रास्ते से जा तो रहे हैं पर सामने ना आप देखो एक बार चांद, क्या क्लियर और क्लियर व्यू आ रहा है चांद का, एकदम बहुत क्लियर व्यू, बहुत मस्त लग रहा है चांद, बहुत मस्त व्यू आ रहा है रात को भी भाई। और अभी ठंडी बढ़ गई है, मतलब हम लोग ऐसा लग रहा है बदन पे थोड़ी ठंडी लग रही है, मतलब भी नहीं, हाँ, और बारिश भी आई थी, हल्के हल्के छींटे आए थे तो उसके वजह से भी लग रहा है थोड़ा, और तो कोई रीज़न नहीं है। बाकी ऊपर जाने के बाद तो पता चलेगा और जल्द ही पहुंच जाएंगे, थोड़ा ही चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है। अभी फ़िलहाल हम लोग 35 किलोमीटर पहले रुके सोनमार्ग से, पराठा मंगवा लिया है, दोनों भाई लोग खा रहे, ऊपर मस्त देखो चांद है, हम लोग एंजॉय कर रहे खाना खा के फिर से रिज्यूम करेंगे। और रिज्यूम करके इतना मतलब पूरा सोनमार्ग तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हो नहीं हो, रेट भी थोड़े हाई रहेंगे, तो थोड़ा 10-5 किलोमीटर के पहले ही थोड़ा हम लोग रुक जाएंगे, खाते हैं और फटाफट निकलते हैं। हम लोग जस्ट अभी खाना खा करके निकले हैं क्योंकि कल के जैसा फिर नहीं करना था कि 10 बजे के बाद फिर कैसा है कि यहाँ पे सब होटल्स वगैरह बंद हो जाते, तो हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, मुझे पेट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो बॉडी एकदम अनइजी फील हो रही है। तो हम लोग ने सोचा था कि मतलब कैसा है कि जाना तो सोनमार्ग है यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, लेकिन हाँ मैं खींच सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि नहीं चलो भाई लोग जाते। तो अभी हम लोग सोनमार्ग तक जाएंगे, उतना बॉडी में ताकत है, उतना थोड़ा ये है, तो सोनमार्ग तक जाएंगे। और दूसरी बात कि
रास्ता अच्छा है इसलिए हम लोग आगे कैरी ऑन करें, अदरवाइज हम लोग नहीं करते अगर रास्ता ख़राब रहता तो। हम लोगों ने जितने भी जन से पूछा सब ने हमें यही रिकमेंड, हमने हमको यही बोला कि रास्ता अच्छा है आप जाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। और पता अभी ये चला है कि साला सोनमार्ग से पहले कुछ है ही नहीं रुकने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम है। और ये अभी पूरा स्टीप चढ़ाई है रे लगता है। हाँ भाई लोग, और आगे ये पूरा घाट सेक्शन आ रहा है, तो वो घाट सेक्शन वगैरह थोड़ा क्लियर वेयर करके फटाफट सोनमार्ग पहुँच जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी 30 किलोमीटर ही है सिर्फ, तो उतना तो मेरे ख्याल से कर ही दूंगा मैं। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो रास्ते से चल रहे हैं ना, यहाँ पे पैरेलली बाजू में सिंध रिवर है। अभी फ़िलहाल देखो दिखा तो नहीं सकता हूँ मैं, बट हाँ ये जो रास्ता है एकदम पैरेलली सिंध रिवर के बाजू से ही होकर के जा रहा है। और अभी तक पूरे रास्ते में हम 3 बाइकर के सिवा और कोई भी बाइकर नहीं है, और हम 3 बाइकर्स मस्त चले जा रहे एकदम ठंडी है। और मुझे अयोध्या वाली याद आ गई, जब मैं अयोध्या में रहना था तब मुझे इतनी ठंडी महसूस हो रही थी, और आज मुझे उतनी ठंडी महसूस हो रही है। बट ठीक है, कोई नहीं, बॉडी कैप्चर कर रही है, एक्लेमेटाइज हो रही है, उस हिसाब से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। टाइम हो रहा है 11:35, 12 बजे से पहले हम लोग सोनमार्ग पहुँच जाएंगे। होटल वाटल लेने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, 15 मिनट आधा घंटा होटल लेके फिर आपसे होटल में मिलेंगे। हम लोग फिलहाल सोनमार्ग से 15 किलोमीटर पहले रुक गए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी और ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है, मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट है, तो हम लोगों ने यहीं पर रूम लिया है। तो रूम कुछ ऐसा है और हमें थोड़ा रिजनेबल रेट में मिल गया। यहाँ पे एक सोफ़ा भी है और यहाँ पर ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी अच्छा है, और ये पड़ा है हमें 1200 रुपये में। अगर यही चीज़ सोनमार्ग में जाते तो सोनमार्ग में अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है। तो एक ये भी हो गया, थोड़े पैसे भी बच गए और थोड़ा पहले मिल भी गया क्योंकि तबीयत ख़राब थी। आपको थोड़ा फेस पे से दिख भी रहा होगा, अभी सिर्फ मेडिसिन खाना है और बस सो जाना है। तो दोस्तों देखो, वीडियोज़ बनाने में मेहनत तो बहुत लग रही है, एडिटिंग में बहुत मेहनत लग रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।